नमस्कार बारबटी दौड़ एक्सप्रेस को स्वागत करछु मुनिमा प्रथमे नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे भुवनेश्वर बंधन बैंक कर्मचारी मरणांतक आक्रमण कर्मचारी हाथ को हाणी देले दुर्बृत्त बालियंता ब्लॉक रणपुर गांव रु टंका आदाय करी फेरुथुबा समय आक्रमण ग्रामवासी सहायतारे मेडिकल भर्ती दुई दुर्बृत्त फेरार बदलीपारे स्कूल खोलिबा निष्पत्ति प्रथम पंचम श्रेणी स्कूल खोलिबा प्रसंगे डीएमईटी बयान ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या बढ़ुथिबारु बदलीपारे निष्पत्ति कटक जिलापाल कहले शिक्षाधिकारी सहित आलोचना परे नियाजिबो पदक्षेप भारत मोटर्स गाड़ी होइपारे निलाम बहु वर्ष धरी टिकस फांकुथिबा अभियोग सिटी जीएसटी जुग्म कमिशनर सूचना निर्दिष्ट समय बकेया टिकस नदेले गाड़ी निलाम करी आदाय करजिबा टंका राजधानी महिला थाना को 50,000 टंका जरिमाना कले हाईकोर्ट एसआई प्रमिला साहू को कारण दर्शाओ नोटिस एक निर्यातना केस रे पुलिस खामख्याली मनोभाव हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते अभियोगकारी आसंता 7 रे सीधी रिपोर्ट सहित जरिमाना दाखल करने को निर्देश आज नंदनकानन 62तम प्रतिष्ठा दिवस विश्वस्तरीय पर्यटन क्षेत्र पाइब मान्यता मास्टर प्लान को राज्य सरकार मंजूरी सेपटे 6टी बाघ छुआंकर करागला नामकरण आगामी 24-48 घंटा जाए राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना नुआ वर्षर राज्य को फेरब शीतलहरी आंचलिक पानीपाग विभाग पूर्वानुमान राति 3-4 डिग्री खसब पारद फाइनेंस कर्मचारी हाथ को हाणी पकाइले दुर्बृत्त फाइनेंस कर्मचारी जनक बंधन बैंक कर्मचारी जमापड़ से बालियंता ब्लॉक रणपुर गांव टंका आदाय कर फेरुवा समय दुई दुर्बृत्त नाली पल्सर बाइक जोगे आसी तांकर लूट उद्यम करते किसी समय धरी धस्तधस्ती होता इस समय से दुईज कर्मचारी जनक मारणास्त्र में आक्रमण कर डाणपट हाथ को हाणी देते तेज ठिक समय स्थानीय लोके पहुंचा फल दुई दुर्बृत्त घटनास्थल फेरार होते संगे संगे आंबुलांस जोगे हस्पिटाल को पठा जाता बालियंता पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि अभिनय नायक रही अभिनय जो फाइनेंस कर्मचारी जो भाव में आक्रमण कर दुर्बृत्त मैंने आक्रमण कर घटना रही कि भाव में आक्रमण कले के टंका से नहीं जाती पूरा घटनाक्रम कौन रही निश्चित भाव में कही पार राजधानी उपकंठ से चोरी लुट आदि बढ़िवे लगी दिन दुई पर लुट हो तेज आज जो घटना घटी बंधन बैंक जन फाइनेंस जन फाइनेंस कर्मचारी बालियंता ब्लॉक रणपुर गांव रु से निज बैंक टंका आदाय कर आसवा समय दुईज पल्सर बाइक से आक्रमण करते तेज लुट उद्यम करते पैसा नहीं पार ना से समय दुई जन धस्ता धस्ती होता से समय से दुई जन दुई जन दुर्बृत रही से दुई जन डाण हाथ को हाणी हाणी पकड़े से ही समय किसी स्थानीय लोक आठ उधार करते मौका देखे से दुई जन जो रही खसी पड़े तेज स्थानीय यह प्रश्न सृष्टि हो पुलिस पारिया पड़ा पर प्रश्न सृष्टि हो हाथ को हाणी पकेले माने माने विशेष भाव में क्षतिग्रस्त माने से माने गुरुतर रही छंती ना कोन तांको स्टेटस केमती रही छी जो दुई अधिकारी जाईथिले नै जेउ दुई जन दुर्बृत सेट फेरार होइथिले जो जणे फाइनेंस कर्मचारी रहिथिले तांको डाहना तो से हाणी पकेथिले से समय संगे से एम्बुलेंस डका जाय बालाकाटी गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराइथिले तबे तांको तले ये जो महिला कर्मचारी जनक जाईथिले जे हमें विजुअल देखि पारछे जदि टंका आदाय करिया पई जाईथिले से एका केमती जाईथिले माने कोनो से सुरक्षा कर्मी तांको साथे रहिथिले कि बैंक रो अन्य कोनो से कर्मचारी रहिथिले ने नै तांको सहित कौन से बैंक कर्मचारी सुरक्षा कर्मी रही ना बारंबार कि जो जो मैंने फाइनेंस फाइनेंस टाइम आदाय कर पूर्व पुलिस की इनफर्म कर पुलिस की इनफर्म कर दिन दुई दुई पर जेहतु लुट हो पुलिस पारिया पड़िया पर प्रश्न उठी स्थानीय लोक मैंने दावी कर पुलिस सुरक्षा बड़ पेट्रोलिंग हो पुलिस कौन कहने किसी प्रतिक्रिया हस्तगत हो पार पुलिस
पुलिस कौन प्रतिक्रिया हस्तगत हो पारे कि घटनास्थल पुलिस पहुंचा और तदंत कर तेरे आगू से लिखित अभियोग कला पुलिस तदंत आगू बढ़ाए कि प्रतिक्रिया धन्यवाद अभिनय प्रतिनिधि अभिनय नायक तेज एक घटना घटी जाती बालियंता ब्लॉक अंचल में जड़े फाइनेंस कर्मचारी आक्रमण करते दुई दुर्बृत्त हाथ को हाणी पकड़ देखा मिली तेज घटनास्थल में पुलिस पहुंची उक्त फाइनेंस कर्मचारी गुरुतर अवस्था मेडिका भर्ती करूचना रही। भारत मोटर्स गाड़ी होपे निलाम एने सूचना देले सिटी जीएसटी जुग्म कमिश्नर उमेश चंद्र त्रिपाठी। भारत मोटर्स और श्री भारत मोटर्स शोरूम समस्त गाड़ी आकलन भुवनेश्वर मंचेश्वर पहाड़ और कटक रोड में संस्थार आय व्यय जांच चली। बहु वर्ष धरी संप्रक्त संस्था टिकस फांकुवर आज यही शोरूम अतर्कित भाव पहुंची सिटी जीएसटी टीम निर्दिष्ट समय मध्य बकाया टिकस पैठ नक गाड़ी निलाम कर आदाय टा कह एंट्री टैक्स एरिया सुप्रीमकोर्ट जजमेंट पर भी से कमिशन इनस्टलमेंट कले भी से पेमेंट कर असमर्थ है जहाँ फल बर्तमान अटैचमेंट प्रोसीडिंग बाध्य कमिशन इनस्ट्रक्शन बर्तमान कर बर्तमान आम पाखे जहाँ इनफर्मेशन अच्छी ये 25 गाड़ी अच्छी जीप गाड़ी 6 खंडे अच्छी मंचेश्वर तक 600 खंडे गाड़ी अच्छी जहाँ बर्तमान सफिंग चलिए आटाचमेंट हम आटाचमेंट कर सारापर आम कन्फ्यूज कर अक्शन करेन्यू आसा गवर्नमेंट जनवरी 3 तारीख ठार राज्य में प्राथमिक स्कूल गुड़िक खोल कोरोना कारण बंद पड़ा स्कूल को खोल को निष्पत्ति राज्य सरकार पूर्व षष्ठ श्रेणी ठार दशम पर्यंत स्कूल पर्यायक्रमे खोली सारी बेले आसंता 3 तारीख प्रथम पंचम श्रेणी पर्यंत स्कूल खोल तेरे गणशिक्षा मंत्री इन घोषणा करने अभिभावक और शिक्षाविद निष्पत्ति नापसंद करते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन भय दृष्टि निज पा स्कूल छाड़ापी अभिभावक अमंग होता बेले सरकार पिला स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टि आउथरे चिंता करंतु बोली प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछे। आसंता जनवरी 3 रु राज्य रे खोलिबो प्राथमिक विद्यालय प्राय 21 मास परे प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत स्कूल खोलिबो सकाळ 9 रु दिन 12 पर्यंत क्लास हेबो रविवार ओ अन्य छुट्टी दिन को छाडी प्रत्येक दिन स्कूल खुला रहिबो एने मंगलवार विज्ञप्ति प्रकाश करिछि गणशिक्षा विभाग हेले राज्य सरकार को ए निष्पत्ति को नापसंद करिछंती अभिभावक और शिक्षाविद गोटे पटे कोरोनार तृतीय लहर आशंकर राज्य सरकार प्रस्तुति चलता बेले अंपटे छोट पा जीवन को बाजी लगाई स्कूल खोलिबा केते दूर जुक्तियुक्त बोली मत प्रकाश पाई प्राथमिक स्कूल पिलामाने टीका नहीं नहांती जारी होता एसओपी पिलामाने ठीक से पालन करिपरिबे नहीं ता छड़ा राज्य में श्रेणीगृहर भित्तिभूमि अभाव रही तेणु राज्य सरकार पुनः विचार करने तृतीय लहर शेष पर्यंत अपेक्षा करने को कहते अभिभावक और शिक्षाविद बर्तमान ओमिक्रॉन का प्रभाव बहुत बढ़िया को आसला से आम इम्यून सिस्टम निश्चय परभेट कर आते आम जो एवं आडल्ट मैंने जो टीचर मैंने पढ़ाऊँ पढ़े भी तर इम्यून सिस्टम को परभेट कर जदिओ से दीटा का टीका नहीं थे तेणु बर्तमान एत दिन तो गला तेणु बर्तमान थार्ड वेव सर पर्यंत समस्त पेसेंट रही दरकार साधारण मो पाटी की मुझे छाड़ी से कल कौन हम तार सी भैक्सीनेसन होनी सी के तार क्षमता अच्छी जे सी गोटे मानने इनफेक्शन को से अटकई पार और पिलाने जे मानवे आम बड़ मैंने मानि पारून विभिन्न केस तो पिलाने क्लास रूम कौन मानवे जे आम सांगसाथी हबुनु सांग टीफिन सेयार करूनु गोटे बेंच रे आम इनफ्रास्ट्रक्चर कहीं आम गोटे बेंच रे तो आम गोटे क्लास रूम तो बहुत पिला बस आम सहर से किसी स्कूल को छाड़देले ग्रामांचल को गले तो सेमती आम भित्तिमि नहीं जे पिला दूर दूर छड़ा छड़े बसईकर पिला सरकारी भाषा मानने 6-6 फुट दूर से बस ही क्लासरूम पाठ पढ़े पार गोटे पटे प्राथमिक विद्यालय खोलिबा नहीं गणशिक्षा विभाग ग्रीन सिग्नल दे सारी बेले स्कूल खोलिबा निष्पत्ति बदली पारे बोली कहिसेंति डीएमटीए से कहिसेंति पूर्वरु ओमिक्रॉन आसनथिला कि संक्रमितक संख्या बढ़ी नथिला एबे संक्रमण संख्या वृद्धि पाइबारु निष्पत्ति बदली पारे तेबे प्रथमरु पंचम श्रेणी पिलामानक पई स्कूल खोलिबा निष्पत्ति को राज्य सरकार जिला प्रशासन उपरे न्यस्त करिसेंति राज्य सरकार निष्पत्ति परे विभिन्न जिला भली कटक जिला प्रशासन मध्य स्थिति अनुध्यान में लागी पड़ी
कटक जिले कोविड्र स्थिति ठीक रही किंतु जिला शिक्षाधिकारी आलोचना पर स्कूल खोलिबा निष्पत्ति ग्रहण कटक जिलापाल भवानी शंकर चयनी ये जो निष्पत्ति हुए तो बहुत पुराणा हो पाए सेटा एपर्त खोलियापाई जो निष्पत्ति सरकार नहीं केस बर्तमान निर्भर कर सरकार तंकर निष्पत्ति बदल पारती आमर भित्तिभूमि बहुत स्ट्रंग अच्छी अभिज्ञता रही आधार करके आम भावुँ जे कि असुविधा से भाई हम ना एवं कोविड्र नियंत्रण कोविड्र संक्रमण को देखी तापर ये जो स्कूल उपरे आम कि निष्पत्ति नबु राज्य स्वास्थ्य विभाग और गणशिक्षा विभाग समन्वय अभाव जो पिला और अभिभावक महल में द्वंद्व सृष्टि हो तबे देश में तृतीय लहर एवं ओमिक्रॉन आशंका को दृष्टि रखी अन्य राज्य में स्कूल कॉलेज को बंद कर राज्य में किभली प्राथमिक स्कूल खोलिबा नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं समस्त को आश्चर्य कटक रु कैमरा पर्सन सुब्रत विश्वजीत दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अवहेला खामख्याली और बेपारुआ अभियोग मामलें राजधानी महिला थाना पुलिस को 50,000 टंकार जरिमाना जनवरी 7 तारीख भितर तदंतकारी अधिकारी को जरिमाना देवा को आदेश देते हाइकोर्ट एक निर्यातना मामलें महिला थाना पुलिस को अदालत केस डायरी और आहत आघातजनित रिपोर्ट मागि एसआई प्रमिला साहू सिरी दाखल करने कथा करलिस आचरण को नहीं अभियोगकारी हाइकोर्ट को द्वारस्थ होते यार विचार कर कोर्ट महिला थानार तदंतकारी अधिकारी 50,000 टंका जरिमाना दंडादेश देते आसंता 7 तारीख में सीडी रिपोर्ट सहित जरिमाना दाखल रसीद कोर्ट को हस्तगत करने को कहुई ताछड़ा कौन पर आईओ एमती मनमानी करते तहार कारण दर्शाई सहित निजे कोर्ट में उपस्थित रहा निर्देश देते स्वागत। विश्वस्तरीय हेब नंदनकानन बदल नंदनकानन भित्तिभूमि एने जंगल एवं परिवेश विभाग पक्षर् प्रस्तुत होता मास्टर प्लान को मंजूरी देते राज्य सरकार आज नंदनकानन 62वां प्रतिष्ठा दिवस अवसर एभली निष्पत्ति सहित गोटे वज्रकाप्ता को जंगल छड़ा जा और 6टी बाघ छुआ नामकरण कर नंदनकानन हेब नवकलेवर विश्वस्तरीय पर्यटन क्षेत्र पाइब मान्यता 6टी बाघ छुआर है नामकरण नुआ रूप नेब नंदनकानन अत्याधुनिक ज्ञानकौशल सजे हेब एक प्राणी उद्यान यास पशुपक्षी रहणी भी हेब स्वतंत्र व्यवस्था आकर्षित हेबे देशी और विदेशी दर्शक एवं पर्यटक एने खसड़ा प्रस्तुत करिछि जंगल एवं परिवेश विभाग नंदनकानन रूपरेख बदल देश और विदेश नुआ जंतु आणवा लगी व्यवस्था हो सूचना मिली यास नंदनकानन में विभिन्न पशुपक्षी प्रजनन अनुसंधान और उन्नत परिवेश जगैबा लगी खर्च हेब टंका रुग्ण और नष्ट होइथिबा एनक्लोजर निर्माण और यार कार्य उपरे ध्यान दिया बटानिकल गार्डेन रो भित्तिभूमि विकास सह पर्यटकों आकृष्ट करने स्वतंत्र व्यवस्था से हीपरी सिंगापुर 2022 घड़ियाल कुंभीर आसवास श्रीलंका और बर्लिन चिड़ियाखाना सह जीवजंतु आदान प्रदान नहीं चुक्तिपत्र स्वाक्षरित हो OECCF कहते नंदनकानन को विश्वस्तरीय करने समग्र प्रकार चेष्टा चली वन विभाग तरफ तथा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन तरफ या अति शीघ्र एक विश्वस्तरीय जो हिसाब से परिगणित करने समस्त पदक्षेप नि 2022 तो बहुत आम जो आपको एथर भी कहली आम तो जमी बटनिकल गार्डन स्ट्रेट रोड कांजिया क्याकणी लेक पुनर्धार आम जो बस स्टैंड एरिया जोटा को तार पुनर्धार करने को आमर केते गुड़ा का एनक्लोजर को अपग्रेड करने को आ नुआ केते गुड़ा जो सांगरे आमर डिस्कशन भी चली नुआ जंतु गुड़ा आने से सब 2022 नंदनकानन 62वां प्रतिष्ठा दिवस अवसर में प्राणी उद्यान में 22टी वज्रकाप्ता रही बेले आज गोटे वज्रकाप्ता को ट्रांसमिटर लगाई जंगल में छड़ा जासह 6टी बाघ छुआ नामकरण मेघा और नंदन 3 बाघ छुआ नाम रखाला सोहिनी अभय और विवेक सेहीपरी सेफ और विजय तीनोटी धला अंडीरा बाघ छुआ नाम रखाई रकी बंशी और राकेश आमर एफर्ट केवल ये हम कि नंदनकानन गोटे भारतीय लेवल रे गोटे गोटे भलो सु मान वन ऑफ द बेस्ट सुस आम केवल से
तार लेवलटा इनक्रिज करके गोटे विश्वस्तरीय जू करें आउ एनिमल कलेक्शन प्लान बाकी अन्यान्य विजिटर फैसिलिटीज विजिटर एक्सपीरियंस ये सब केमती इम्प्रूव करके आम ताको आगे बढ़ावा सेटा होची हमर उद्देश्य बाकी पब्लिक जो सिचुएशन है ताको लक्ष्य रखे बस सही जिनस करूँ दैट से बहुत कारण ये समस्त अधा लोक मास्क अच्छा आधा लोक विदाउट मास्क ही अच्छे तो से प्रोटेक्शन कारण आम टोटाल ये टाइम टा तो आमको टे जाए कर सो तापर टे इम्पोर्टेंस दिंतु आज जेहेतु ये सरी फाउंडेशन डे तो लोक बेस होपर समस्त जितने प्रोटेक्शन रखते से बहुत भल तेबे पूर्वरु मध्य पर्यटक को आकृष्ट करने अनेक पदक्षेप नहीं चिड़ियाखाना कर्तृपक्ष सफल हो निकट अतीत आरंभ हो टॉय ट्रेन रु स्पष्ट अनुमय भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप मल्लिक चिन्मयी साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। महाबल बाघ को घरे पाली चर्चारे रहिथिबा साहसी महिला निहार नलिनी स्वाईंकर देहांत कटक सिद्धेश्वर साही ठारे थिबा आशीर्वाद वृद्ध आश्रम से शेष निश्वास त्याग करछंती मृत्यु बेलकु तांको 88 वर्ष बयस होइथिला। सिमुलीपाल अभयारण्य बाघ प्रकल्पर तत्कालीन निर्देशक 1974 मसीहारे सरोज राय चौधरी स्त्री निहार नलिनी सहित बुलुवा समय स्थानीय खैरा नदी कूल एक बाघ छुआ को एकुटिया घर को आनी दीर्घ 7 वर्ष धरी निज पिलापरि पालन करते 1981 मसीह बाघटीर मृत्यु होता दंपति कौन संतान संतति नथिला स्वामी को हर निहार नलिनी वृद्धाश्रम रोते तेज गत राति मृत्यु होता बेले कटक कोराकबर श्मशान अंत्येष्टिक्रिया से एबे दुई मास धरी से असुस्थता अनुभव करते आल से हठात खाई बस खाई सारापर आज हठात टी पड़े टी पड़ला आम सब जोज कला जान लु से जगत ना मोर कटस्थ गोरा कबर कबरस्त कर साईर महिला समिति सिद्धेश्वर साईर भाई भणी मान उपस्थित थे पुतुरा झियारी आ भाई खरी तो निज से छुआ हिसाब से मानते जन्मकला छुआ कति प्रेम भी करते भल पाते एवं सुधा भी स्टोरी सी कहते से मो छुआ था से मो सांगे सब तारी कथा कहते भाई भणी कि पु झी से कहते एथर नुआ वर्ष पड़ फिका डीजे रे ताले ताले नाचिबे राजधानीवासी हेबोनी जीरो नाइट सेलिब्रेशन फल चिंतार होटेल शिल्प कारण नुआ वर्ष आसिले दुई पैसा लाभ करथुवा होटेल मालिक माने एबे चिंतार कोरोना कटकणा पई सबकिछि फिका पड़ा बेले पाखापाखि दुई वर्ष हेबो प्रभावित होइछि होटेल शिल्प देखिबाय रिपोर्ट 2022 बी पड़ फिका नुआ वर्ष रे बाजिबोनी डीजे हेबोनी जीरो नाइट सेलिब्रेशन एथर नुआ वर्ष रे डीजे रे ताले ताले झुमिबेनी राजधानीवासी हेबनी जीरो नाइट सेलिब्रेशन फलर चिंतार होटेल शिल्प कारण नुआबर्ष आसिले विभिन्न होटेल पब रेस्टोरेंट जमे जीरो नाइट सेलिब्रेशन रंगीन आलोक नुआबर्ष को कराए स्वागत किंतु एथर ओमिक्रॉन आतंक को देखि एसबू उपरे कटकणा लगे राज्य सरकार फलर होटेल क्लब रेस्टोरेंट संपूर्ण नुआबर्ष पालन बंद रहइबो पार्क कन्वेंशन हॉल कल्याण मंडपे नववर्ष पालन उपरे लगा जाइछि कटकणा राज्य सरकार जो कटकणा करिछन्ते स्वागत योग्य फास्ट होला आमे लाइफ को सेव करिबा आम स्टाफ कर फास्ट सेव आम देखिबु देन सोसाइटर सेव देखिबु बिजनेस तो हम बिजनेस लॉसेस होउछि किंतु बिजनेस करिबा जाय कि आमे कोनोसी जीवन को ये रे करिबुनी जो थे जो को सेमति किछि हमर प्लानिंग आगुरु ही नथिला सस्ती ग्रुप रो कोनोसी प्लानिंग ही नाही जीरो नाइट सेलिब्रेशन रो कटकणा सत्वे होटेल बुक रही ग्राहकों समस्त सुविधा जोगाई दिया जिबो दैनंदिन होटेल रे जो सब सुविधा रही अधिक किछि करा जिबो नाही कोरोना संक्रमण जो दीर्घ दिन धरी क्षति सहितले होटेल व्यवसायी जीरो नाइट सेलिब्रेशन बेले किछि व्यवसाय करने को आशावादी होई रहिथिले हेले कोरोना जो ता मध्य संभव होई परला नाही बोली कहिसंदी होटेल व्यवसायी होटेल गोटे एमती जगह कि लोक से एंटरटेन होवाई ही आसती और जीरो नाइट गोटे बिग सेलिब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड तो समस्ते अपेक्षा कर था दिन को कि केमती न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन करूँ बट ठीक अच्छे कोविड गाइडलाइंस अच्छी लास्ट ईयर भी आम करूँ ए वर्ष भी से गाइडलाइंस अच्छे करा न जाऊ बट जदि आमको कोविड कटकणा देकरी करा जाए या को परमिशन दिया जाए था तो डेफिनेटली आम चाहिए टिके छोट आकार
କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ। ତେବେ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କବି ଜୀବାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ପୁସ୍ତକ ଜୀବନ ପଥେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଜୀବାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଡାକ୍ତର ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ରମାରମଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କରି ଲେଖାରେ ଜୀବନ ପଥେ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଜାତୀୟତାବୋଧକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦଳିଚାଲ ମାଡ଼ିଚାଲ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ଭାରତବର୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଡ଼ କରିଛି ମାଟିର ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଚାଷ ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ, ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର 80% ମାଟି ଅମ୍ଳ ହେଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓୟୁଟିର ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2008 ରାଜ୍ୟରେ ମାଟିର ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଶତକଡ଼ା 69-70 ଭାଗ ଥିବାବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ସୁଦ୍ଧା 80% ଛୁଇଁଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଅଧିକ ଲବଣ ଜମି ହୋଇ ରହିବା, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏହା ଧୋଇ ନହେବା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ ବିଶାଲ ସିଂ। ମାଟିରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଳଦରେ ହଳ କରିବା କମୁଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିର ଟାଣ ଅଂଶ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚାଷୀମାନେ 10-15 ବର୍ଷରୁ କେମିକାଲ ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ମାଟିଟା ପୁରା ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁ ବଳଦରୁ ହଳଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅପରେଟେଡ଼ ଟିଲେଜ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ସେ ମାଟିଟା ବହୁତ ଟାଣି ହୋଇ ସେଇଟା ଆପଣ ଟାଣି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲୋଇଂଟା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲୋଇଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏକସେମି ମାଟି ତିଆରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶ ବଢ଼ିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବା ଜରୁରୀ। ମାଟିର ମାପକାଠି ଯନ୍ତ୍ର ବା PSKL ଯଦି 7-0 ଆଡ଼କୁ କମି କମି ଆସେ ତେବେ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ 7-14 ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ତେବେ ଏହା କ୍ଷାରୀୟ। ନାଲି ହଳଦିଆ ଉଭୟ ରଙ୍ଗର ମିଶା ମାଟିକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ମାଟିର PH ମାପି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓୟୁଇଟିର ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଣିଷକୃତ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅମ୍ଳୀୟ, ଯେତିକି ଆମୋନିୟମ ଜାତୀୟ ରାସାୟନିକ ସାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ୟୁରିଆ ଯଦି 100 କିଲୋ ଆମେ ୟୁରିଆ ମାଟିରେ କୌଣସି ଫସଲକୁ ଦେଉଛୁ, 110 କିଲୋ ଚୂନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତା'ର ଇଏ କରିବା ପାଇଁକି। କେବଳ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଲେ ହିଁ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୋଡ଼ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।